So this is the final look. अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साबरा यूसुफ अंसारी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आप लोगों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक है। और आज है फ्राइडे और आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता की दम बिरयानी वी बवार्ची स्टाइल में। कैसे और आप लोगों को बताती हूँ मैं उसकी रेसिपी। तो इसकी रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और मैं सारे इंग्रेडिएंट्स और सारी रेसिपी जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों पहले जो है मैंने आलूओं को जो है पील ऑफ कर लिया बिरयानी। तो 4 kg बिरयानी के लिए हम लोगों ने आलू जो है वो 2 kg लिया है। मैंने जो है ऑलमोस्ट 1/2 teaspoon जो है फूड कलर लिया है। उसके बाद 1.5 tablespoon जो है मैंने सॉल्ट लिया है और ये एक जो है नींबू ले लिया है। और अब जो है मैं इसमें वाटर डालती हूँ और वाटर डाल के जो है जैसे ही आलू जो है वो गलेंगे वैसे क्या करूँगी मैं उन्हें छान के निकालूंगी और आलू जो है बिल्कुल फ्रेश बनेगा। तो इसलिए वाटर जो है हमें ज़्यादा ऐड करना है। दोस्तों देखिए आलू जो है हमारी पूरी हो चुकी है और अब जो है हम लोग इसका पानी जो है स्ट्रेन कर लेंगे। सो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आलू जो है देखिए आलू जो है ये उबाल ली हूँ मैं और आलू का जो पानी जो था वो मैं स्ट्रेन कर ली और आलू भी देखिए बहुत ही फ्रेश होंगी। यहाँ जो है मैं ऑयल हीट कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल, और आप चाहे तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ये ऑयल हीट हो जाने के बाद आलू को जो है मैं इसमें डीप फ्राई करूँगी। तो दोस्तों ऑयल जो है हमारी हीट हो चुकी है और मैंने फ्लेम जो है फ़िलहाल कम कर लिया है। ये देखिए अब एक एक करके जो है मैं सारे आलू को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए आलू जो है हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और अब जो है मैं इसे निकाल लेती हूँ और बाद बाकी यहाँ पे जो बची हुई आलू है उसको भी मैं एक एक करके फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों देखिए आलू जो है अब पूरा फ्राई हो चुका है और दिखने में इसका ये जो गोल्डन कलर का लुक भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो है मीट जो है हम लोगों ने 3 kg मीट लिया है और के बाद जो है 100 g लहसुन और 100 g अदरक जो है हम लोगों ने ले लिया है और इसमें जो है हम लोगों ने खड़े मसाले लिए हैं तो हम लोग साथ में पेस्ट बनाएंगे। अच्छा क्या होता है ना, जब हम लोग खड़े गरम मसाले जब यूज़ करते हैं तो बिरयानी का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोगों ने लिया है 2.5 tablespoon जो है हम लोगों ने सॉल्ट लिया। ये जो है खड़े गरम मसाले है उन्हें लिया है रेड मिर्ची पाउडर 1 tablespoon, ये है मावा या खोया धनिया की पत्ती और ये है 250 g जो है ये दही है, ऑलमोस्ट 1/2 kg तक ऑनियन और 1/2 kg ऑनियन है और ये जो मिर्च है आप अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ जो है हमारे खड़े गरम मसाले जो है वो जो चटक चुके हैं और अब जो है मैं इसमें ऑनियन और हरी मिर्च डालती हूँ। अब हमारी ऑनियन जो है फ्राई होने लगी है और ऑनियन को जो है हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से पका लेते हैं। प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब जो है हम इसका फ्लेम जो है टर्न ऑफ कर लेते हैं और ये कुकर में जो है हम लोग मीट डालते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा पकने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो इसलिए हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर, और यहाँ पे है दही, उसके बाद ऑनियन। इसे जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसे पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। दोस्तों ये देखिए दोनों साइड जो है मैंने कुकरों को जो चढ़ा दिया है पकने के लिए और जो है हम लोग 5 मिनट वेट करते हैं विसल आने का और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। तो अब जो है ये गैस है और इसमें दोनों में 1 whistle आ चुकी है और फ्लेम को जो है हम लोग धीमी आंच पे हम लोग कर देते हैं और 5 मिनट इसको पकने देते हैं लो फ्लेम पे।
मीट जो है हमारी पूरी तरीके से गल चुकी है और दोनों कुकर का जो मीट जो है मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको सुखाना है। इसमें हम धनिया की पत्ती, ये खोया जो है ऐड करके इसको हम लोग अच्छे से सुखा लेते हैं। सो दोस्तों देखिए हमारा जो मीट का सालन जो है वो बन चुका है और हमने इसके मीट को, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो इसका जो सालन है इसको मैंने अलग अलग कर लिया है। और ये सो दोस्तों हमारी जो है गोश्त बन चुकी है और अब हम चलते हैं राइस बनाने की तरफ। यह जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 4 kg राइस का बिरयानी बना रही हूँ, तो ये जो है ये हाफ है, ऑलमोस्ट 2 kg ले लिए हैं। ये के बाद हम लोगों ने लिया है 3 से 4 छोटे जो तेज पत्ते हैं और 1 tablespoon जो है ज़ीरा है, ये 4 जो है बड़ी इलायची है और ये दालचीनी का टुकड़ा है, और ये जो है 2.5 tablespoon जो है सॉल्ट है, और उसके बाद जो है ये 1 नींबू है। इसको बॉईल होने देते हैं, इसको बॉईल होने में ऑलमोस्ट 1/2 hour लग जाएगा और तब तक कि हमारा चावल फूल जाता है, फूल रहा है अच्छे से। तो देखिए हमारा जो पानी जो है ये बॉईल हो चुका है और अब जो है इसमें हम चावलों को ऐड कर लेते हैं। सो राइस इसमें ऐड कर ली हूँ और अब इसको जो पकने में ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में बॉईल आ जाएगा। बस चावल जो है उसमें बॉईल आ चुका है और चावल भी जो है ये देखिए ये जो है गल चुकी है, और मैं जो है अकेले वीडियो शूट कर रही हूँ एक हाथ से पकड़ के, तो थोड़ा दिखाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए चावल जो है मेरा ऑलमोस्ट ये पक चुका है और अब जो है मैं इसका पानी जो है स्ट्रेन कर लेती हूँ। चावल की जो पानी है मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद जो है ये हमारी हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्च को हम लोग लंबे लंबे बीच से हम लोग स्लाइसेस कर लिए हैं। तो बाद जो है ये पुदीना की पत्ती है, पुदीना की पत्ती और धनिया की पत्ती, और ये जो तीनों मिल के जो है एक साथ जो है इसका फ्लेवर, बिरयानी का जो फ्लेवर जो है बहुत ही इन्हेंस करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना मेरी फेवरेट है, बिरयानी हमको बहुत पसंद है मुझे। ये है बिरयानी मसाला और ये है फूड कलर, और फूड कलर में जो है मैंने केवड़ा वाटर और नींबू डाल के जो है मैंने इसे फिक्स कर लिए, और उसके बाद जो है ये हमारा घी है और ये हमारा यहाँ रोज़ वाटर है, और केवड़ा वाटर तो मैं इसमें इस्तेमाल कर चुकी हूँ केवड़ा वाटर, तो मुझे अब केवड़ा वाटर की कोई ज़रूरत। ये है मुगलई मीठा अत्तर, और ये मैं जो है रिफाइंड ऑयल जो है मैं इसको जो है हीट कर रही हूँ हल्का सा, और यहाँ जो है मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ जो है अभी बिरयानी बिछाने के लिए ये सारी चीज़ हमें लगेंगी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लें। तो अभी मैं ऐड करती हूँ रोज़ वाटर, गरम मसाला और मीठा अत्तर, चावल, और आप मेरे जो बिरयानी मैं किस तरह से लेयर्स बनाती हूँ आप मेरे मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें। और ये मैं डाल रही हूँ फूड कलर, उसके बाद पुदीना की पत्तियाँ, ये है हरा धनिया की पत्ती, ये है हरी मिर्च, और अब जो है मैं मीट डाल रही हूँ। देन आई एम गोइंग टू ऐड आलू, और अब जो है मैं मीट का जो सैलन है मैं उसको इसमें ऐड कर लेती हूँ, और बस आप मेरे मेथड को देखते रहिए आगे मैं किस तरह से लेयर्स बनाती हूँ। सो दोस्तों बिरयानी की पहली लेयर्स जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और अब जो है मैं दूसरी लेयर्स में ये फूड कलर मैं ऐड करती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसा किया था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। फिर ये धनिया की पत्ती और पुदीना की पत्ती और हरी मिर्च जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद जो है ये इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, यानी बिरयानी की जो मसाला है उसके ऊपर ऐड करूँगी मैं अब। और ये जो है हमारा घी है,
और उसके बाद ये रिफाइंड ऑयल है जो मैंने हीट करके रखा हुआ था, रिफाइंड ऑयल, तो मैंने उसको अपने हिसाब से ऐड कर लिया और फिर मैं मिल्क ऐड कर ली। और तो बस हांडी को जो है हमने गैस स्टोव पे गैस पे चढ़ा दिया है और अब जो है हम 5 मिनट जो है इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद जब हमारा हांडी गर्म हो जाएगा तो इसका फ्लेम जो है हम लोग कम कर लेंगे। और ये रहा हमारा बिरयानी का फाइनल लुक और देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, यम्मी भी लग रहा है और माशाल्लाह से बिरयानी अच्छी भी बनी थी। तो देखिए अब मैं जो है बिरयानी का जो दोस्तों ये रही हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। इसे मैंने सर्व करने के लिए जो है इसे प्लेट में निकाल लिया है और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को बिरयानी कैसे लग रही है देखने में। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी जो है हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक बटन ज़रूर देना अगर आप लोगों को बिरयानी देखने में अच्छी लग रही है तो। और तब तक दुआ में याद रखना और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।